नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल लीव अकेडमी आपके सिलसिले में स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में जाना था, उसमें दीर्घ और गुण स्वर संधि के बारे में जाना था। तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण उसके आगे जो तीन संधि बचे थे उसको नहीं बताया गया। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो तीन संधि बचा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, चलिए इसका नियम देख लेते हैं। यदि छोटा आर या बड़ा आर के बाद क्या आए, ए या ए आए, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा, ए ही बनेगा। यानी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, के बाद ए या ए आए तो क्या बनेगा, इन दोनों के मेल से क्या हो जाता है, ए हो जाता है। उसके बाद तथा आ या बड़ा आ, यानी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, के बाद ओ या आओ आए, तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। पहले हम लोग क्या कराएंगे, छोटा आ का मेल ए से कराएंगे, फिर छोटा आ का मेल ए से कराएंगे, तो भी क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा। बड़ा आ का मेल ए से कराने पर, बड़ा आ का मेल ए से कराने पर भी क्या होगा, ए ही होगा। इसी प्रकार ये भी है, चाहे आ हो चाहे बड़ा आ हो, का मेल जब आप ओ या औ से कराएंगे तो क्या बनेगा, औ बनेगा। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आ प्लस ए तो क्या हो जाएगा, ए। देखिए जैसे एक का में क्या है, आ है, फिर देखिए यहाँ पे ए है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसकी मात्रा कैसे होती है, ऐसे। तो आपको मात्रा का विशेष ध्यान देना है। वर्णमाला की पहले क्लास में हमने आप मात्रा को बताया था, आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा देखिए कैसे होती है, ऐसे। तो क्या बन जाएगा, एक धन एक से क्या हो जाएगा, एक एक। इसी प्रकार देखिए वित्त धन ऐसा, ता में देखिए आ रहा है, फिर ए, आ प्लस ए क्या होगा, ए। तो क्या हो जाएगा, वित्त ऐसा। क्या हो रहा है, इसमें केवल मात्रा वही लग रहा है। लोक धन ऐसा, इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। जिस प्रकार वित्त धन ऐसा से वित्त ऐसा, एक धन एक से एक एक, उसी प्रकार लोक धन ऐसा से क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। अब देखते हैं आ प्लस ए के मेल से क्या बनेगा, ए ही बनेगा। इसकी मात्रा देखिए ऐसे, देखिए जैसे मत धन ए के क्या हो जाएगा, देखिए ता में क्या है, आ है, फिर ए, देखिए यहाँ पे ए है ही, तो क्या हो जाएगा, ऐसे मात्रा हो गए, यहाँ पे मात्रा लग जाएगा, क्या बन जाएगा, मत ए के। उसी प्रकार देखिए आगे देखते हैं अगला क्या है, भाव धन ऐश्वर, भाव धन ऐक्य क्या हो जाएगा, भाव ऐक्य। देखिए वा में आ फिर ए, आ प्लस ए, आ प्लस ए क्या हो जाएगा, ए। तो क्या हो जाएगा, भाव ऐक्य। अब देखिए आगे क्या है, नव धन ऐश्वर्य क्या बन, इसके मेल से क्या बनेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। अब देखिए बड़ा आ का मेल ऐसे कराएंगे, पहले हमने क्या किया था, छोटा आ का मेल, छोटा आ का मेल ऐसे कराया, फिर बड़ा आ का मेल ऐसे कराया, क्या बन रहा था, आए आए बन रहा था। तो नियम जो है इसको आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। देखिए जैसे सदा धन एओ, सदा धन एओ, तो देखिए दा में क्या है, बड़ा आ, इसके बाद ए, यहाँ पे ए है ही, तो जब बड़ा आ और ए की ए का जब मेल होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ए की मात्रा ऐसे होती है, तो क्या हो जाएगा, सदैव। उसी प्रकार तथा धन ए से क्या होगा, तथैव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब है आ प्लस ए,
आ प्लस आई, आ प्लस ए हो गया, अब आ प्लस आई के मेल से क्या बनेगा, आई। देखिए महाधन ऐश्वर्य, तो हा में देखिए क्या है, बड़ा आ ऐश्वर्य आई तो यहाँ पे है ही, तो क्या हो जाएगा आ प्लस ऐसे कौन सी मात्रा हो जाएगी, आई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा महेश्वर। उसी प्रकार देखिए रमाधन ऐश्वर्य से क्या हो जाएगा रमेश्वर, रमेश्वर। अब हम लोग आ का मेल ओ से कराएंगे, छोटा आ का मेल ओ से कराएंगे, तो क्या बनेगा आओ, आओ की मात्रा ऐसे। देखिए जैसे जल धन ओध क्या हो जाएगा जलौध, देखिए यहाँ पे ला में क्या है छोटा आ, उसके बाद क्या है ओ, इसकी मात्रा क्या हो जाए, इसके जब इनका जब योग होगा मिल, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा आओ, आओ की मात्रा कैसे होती है ऐसे, तो क्या हो जाएगा जलौज। उसी प्रकार परम धन औज परमौज, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दंत धन ओष्ठ, इसका क्या होगा दंत धन ओष्ठ, इसका आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। जिस प्रकार जल धन औज से जलौध, परम धन ओज से परमौज, उसी प्रकार दंत धन ओष्ठ से क्या होगा तंतोष्ठ। चलिए लिख दे, इसको बता दे रहे हैं, दंतोष्ट। चलिए अब आगे देखते हैं, अब अगला है छोटा आ प्लस औ कि मेरे से क्या होगा औधी होगा, तो आप लोग नियम का आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अभी लास्ट में ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे पहचाने इसमें कौन सा संधि है। देखिए यहाँ पे औ की मात्रा कैसे होती है ऐसे, देखिए जैसे परम, परम धन औषध, तो माँ में देखिए माँ में क्या है आ, औषध में देखिए यहाँ पे औ है ही औ, तो आ प्लस माँ में देखिए आ है और औ, आ प्लस औ के मेल से क्या होगा औ, तो क्या हो जाएगा परमौषध। उसी प्रकार देखिए परम धन औदार, परम धन अवदार माने आ फिर औ के मेल से क्या हो जाएगा औ, तो क्या हो जाएगा परमौदार, क्या हो जाएगा परमौदार। चलिए आगे देखते हैं, अब आ का मेल ओ से कराएंगे, बड़ा आ का मेल ओ से कराएंगे, तो क्या होगा तो भी औ ही होगा। देखिए जैसे महाधन ओजस्वी, यहाँ पे इक्वल लिख लीजिएगा महाधन ओजस्वी, तो देखिए हा में क्या है बड़ा, उसके बाद क्या है ओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे महो, महोजस्वी। उसके बाद देखिए महाधन ओज बड़ा ओ, क्या हो जाएगा महोज। अब देखिए बड़ा आ का मेल औ से कराएंगे, बड़ा आ का मेल करा औ से कराएंगे तो भी क्या होगा औ ही होगा, इसकी मात्रा देखिए ऐसे होती है। जैसे देखिए महाधन औषध, देखिए यहाँ पे क्या है बड़ा और औषध में देखिए औ, तो क्या हो जाएगा औ, तो देखिए यहाँ पे इसके मेल से क्या बनेगा महाधन औषध से महाऔषध। उसी प्रकार देखिए महाधन औ, महाधन औ बड़ा आ औ, क्या हो जाएगा महाउग। चलिए आगे देखते हैं वियर संधि, देखते हैं वृद्धि संधि हो गया, अब अगला क्या है यार संधि। चलिए इसका नियम देखिए क्या है, कौन सा संधि है ये यार संधि, चलिए नियम देखिए क्या है इसका। यदि यदि छोटी ई बड़ी छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री,
यानी छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ और री के बाद भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब क्या है? अलग स्वर, यानी छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ और री के अलावा के बाद भिन्न स्वर, यानी री के छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ और री के अलावा जितने स्वर हैं अगर वो आएंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है छोटी बड़ी भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब क्या है? इसको छोड़कर, यानी छोटी बड़ी इन दोनों स्वरों को छोड़कर जितने भी स्वर हैं उनका जब मेल होगा तो क्या बनेगा? या बनेगा। और छोटा उ प्लस बड़ा उ के अलावा इन दोनों को छोड़कर जितने भी स्वर हैं उन दोनों का जब योग होगा तो क्या बनेगा? वा। उसी प्रकार देखिए री है, री के अलावा यानी री स्वर को छोड़कर जितने भी स्वर हैं, भिन्न का मतलब अलग, जब उनका मेल होगा तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे रा, इसको हलंत कहते हैं, तो क्या बनेगा? रा। चलिए अब हम लोग एक एक करके मेल करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ई है, ई हो या बड़ी, देखिए यहाँ पे ई है, फिर आ है, देखिए यहाँ पे भिन्न स्वर है, इन दोनों के मेल से क्या बन रहा है? या बन रहा है। देखिए यहाँ पे तो एक एक करके हम लोग सभी का एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जैसे ई प्लस आ के मेल से क्या बनेगा? या। देखिए जैसे यदि, दी में छोटी आपी आ, ई प्लस आ, ई प्लस आ मिलकर क्या बनेंगे? या, तो क्या हो जाएगा? यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि। अगला है देखिए अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अतिधन अंत, क्या हो जाएगा? अत्यंत। उसी प्रकार देखिए हम लोग बड़ी का मेला से कराएंगे। देखिए जैसे नदी, नदी में क्या है? बड़ी और अंबु, अंबु में क्या है? आ, तो इन दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा? नद्यांबु। चलिए आगे देखते हैं, अब छोटी का मेल बड़ा से कराएंगे तो भी क्या होगा? या ही होगा, यानी छोटी बड़ी के अलावा जितने भी भिन्न स्वर आते हैं इन दोनों के अलावा ये ई ई और ई बड़ी प्लस भिन्न स्वर, यानी ये दो इन दोनों स्वरों को छोड़कर जितने भी स्वर हैं जब उन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा? या बनेगा। देखिए इसमें जैसे देखिए इसमें मात्रा कैसे जुड़ गया। देखिए छोटी प्लस बड़ा, बड़ा की मात्रा कैसे होती है? ऐसे देखिए जब यहाँ ई है, ई प्लस आ बड़ा आ है, जब ई प्लस छोटा आ था तो क्या बन रहा था? केवल या बन रहा था, लेकिन जब बड़ा आ है तो इसकी मात्रा भी यहाँ पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपकी मात्रा लग जाएगी। देखिए जैसे इति धन आदि, तो देखिए ती में क्या है? छोटी और आ मिलकर क्या बनेंगे? देखिए यहाँ पे इत्यादि, यहाँ पे क्या जुड़ गया है? आपकी मात्रा। उसी प्रकार देखिए अतिधन आचार, क्या हो गया? अत्याचार, आपकी मात्रा लग गया है। उसी प्रकार देखिए या विधन आगत, क्या होगा? अभिधन आगत, अभ्यागत। अभ्यागत। अब हम लोग बड़ी का मेल बड़ा से कराएंगे तो भी क्या बनेगा? या। देखिए जैसे नदी धन आगम, बड़ी बड़ा, क्या हो जाएगा? या। देखिए नद्यागम। चलिए इसी प्रकार देखिए सखी धन आगम, सखी धन आगम का क्या होगा? संधि, इसका आप लोग कमेंट में आंसर देंगे।
अब आगे है छोटी ई प्लस ऊ, छोटी ई प्लस ऊ के मेल से क्या बनेगा यू। इसे मात्रा कैसे लग गई सूर्य, देखिए देखिए, जैसे जब ई का मेल या से हो रहा था, ई का मेल किससे हो रहा था, आ से, ई का मेल आ से कराने पर क्या बन रहा था, केवल या बन रहा था। और जब इसका मेल हम लोग बड़ा आ से कराए तो देखिए यहाँ पे जो आ की मात्रा है इसमें लग गया। अब जब हम लोग ई का मेल ऊ से कराएंगे तो ऊ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। तो जो लोग वर्णमाला की पहली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देखिएगा इसको। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, अति धन उत्तम, तो क्या हो जाएगा, अति उत्तम। यहाँ पे देखिए इसकी मात्रा लग गई है। उसी प्रकार प्रतिधन उपकार, प्रति उपकार, उपरिधन युक्त, क्या हो जाएगा, उपर युक्त। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है, छोटी ई प्लस बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा यू। जब छोटा ऊ था तो यहां पे जो मात्रा लग रहा था छोटे ऊ की मात्रा लग रही थी, अब देखिए यहां पे बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा, यहां पे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगा। देखिए जैसे निधन ऊन, छोटी नी में देखिए छोटी और ऊन में बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा न्यून। अब देखिए बड़ी ई प्लस छोटा ऊ, बड़ी प्लस छोटा ऊ तो छोटा ऊ है, तो छोटे ऊ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी। देखिए जैसे सखी धन उचित, सख्युचित, देखिए यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लग गई है। अब देखिए बड़ा, बड़ी ई प्लस बड़ा ऊ, क्या हो जाएगा यू। बड़े ऊ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। देखिए देखिए नदी धन उर्ग, क्या हो जाएगा, नदी उर्ग, देखिए यहाँ पे बड़ी मात्रा लग गई है। आगे है छोटी ई प्लस ए, ए की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। तो जब इसका मेल होगा तो क्या हो जाएगा, या इसके मेल से या बनता ही है, केवल मात्रा लग रहा है बस। तो जब ए का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ये केवल मात्रा लग जाएगा। जैसे ऊ का मेल हो रहा था, छोटे ऊ का मेल इस तरह हो जा रहा था, यानी यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लग जा रहा था। अब जब ए की मात्रा, जब ई का मेल ए से होगा तो ए की मात्रा लग जाएगा, यानी ऐसे ही वाला। चलिए देखिए इसका, देखिए जैसे प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, तो देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा लग गया, क्या हो जाएगा, प्रत्येक। उसी प्रकार अधिधन एसरा, क्या हो जाएगा, अध्येसरा, यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा लग गया है। अब हम लोग देखेंगे छोटी ई का मेल ऐसे कराने पर क्या होगा, ये कैसे, देखिए जब ऐसे करा रहे थे तो एक मात्रा लगा था, यानी एक ही मात्रा लगा था। अब जब ऐसे मेल कराएंगे ई का तो ए की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे मात्रा लग गया है। चलिए एग्जांपल से, एग्जांपल देखिए, देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, अति धन ऐश्वर्य, अति धन ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, अत्यश्वर्य, देखिए यहाँ पे ए की मात्रा लग गया है। अब देखिए अगला है बड़ी प्लस आए, तो भी क्या होगा, आए, आए की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। देखिए सखी धन एक, क्या हो गया, सखायक। देवी धन ऐसर, क्या होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। अगला है छोटी ई प्लस, छोटी ई प्लस ओ कि मेल से क्या होगा, यू। कैसे, देखिए ओ की मात्रा कैसे होती है,
ऐसे, और जब इसके स्थान पे औ आ जाएगा, अभी तो ओ है, जब औ आ जाएगा तो यहाँ पे ये मात्रा लग जाएगी औ की मात्रा। तो देखिए अति धन ओज, छोटी ओ क्या हो जाएगा यो, तो क्या हो गया अत्योज। दधि धन ओधन, दधि धन ओधन, इसका क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। अब देखिए छोटी ई प्लस औ, देखिए मैंने बताया था यहाँ पे ऐसे मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा यौ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए केवल सिंगल मात्रा आती है, यहाँ पे डबल। देखिए जैसे अति धन औदार, यहाँ पे देखिए छोटी औदार में देखिए औ, तो क्या हो जाएगा अत्योदार। इसी प्रकार देखिए अति धन औचित्य, इसका क्या होगा, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे छोटा ऊ का मेल आ से कराएंगे, तो क्या होगा वा। देखिए जैसे सुधन अल्प, तो क्या हो जाएगा वा हो जाएगा। तो देखिए सुधन अल्प, यहां पे देखिए छोटा ऊ है और यहां पे आ है, तो देखिए छोटा ऊ और आ का मेल से क्या बनेगा वा, तो क्या हो जाएगा स्वल्प। उसी प्रकार देखिए सुधन अच, यहाँ पे देखिए छोटा ऊ और प्लस आ, तो क्या हो जाएगा वा यानी स्वच्छ। चलिए आगे देखते हैं ऊ प्लस बड़ा आ, छोटा आ से कराने पर केवल वा, और जब बड़ा आ से कराएंगे तो इससे मात्रा लग जाएगी बड़े आ की। देखिए जैसे सुधन आगत, क्या हो जाएगा स्वागत, देखिए यहाँ पे मात्रा लग गया है। मधुधन आलय, तो क्या हो जाएगा मध्वालय। अब देखिए ऊ का मेल हम लोग किसे कराएंगे ई से, देखिए ऊ का मेल ई से कराने पर क्या बनेगा वी। कैसे देखिए जैसे जब बड़ा आ से करा रहे थे उसकी केवल मात्रा लग गई है, छोटी की मात्रा कैसे होती है ऐसे होती है, तो वह है इससे यही केवल मात्रा लग गया है बस। अनुधन इति, क्या हो जाएगा अनविति, देखिए यहाँ पे मात्रा लग गया है, यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है यहाँ पे ई है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे वी, तो क्या हो जाएगा अनविति। उसी प्रकार देखिए अनुधन इति का क्या होगा अनवित। अब हम लोग ऊ का मेल बड़ी से कराएंगे, तो क्या होगा वी, छोटी से कराने पर ये हो रहा था वी हो रहा था, इसे बड़ी की मात्रा लग गई है। देखिए जैसे अनुधन इच्छा, छोटा ऊ बड़ी, क्या हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा अन विच्छा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है, उ प्लस ए, ए की मात्रा ऐसे, तो उ प्लस ए के मेल से वाव होता है, तो इसकी मात्रा लग जाएगी ए की मात्रा लग जाएगी। देखिए जैसे अनुधन ऐसरा, तो देखिए नो में देखिए छोटा उ प्लस ए के मेल से वे, देखिए यहाँ से अन वेसड़ा। चलिए आगे देखते हैं ऊ का मेल ऐसे कराएंगे, तो क्या हो जाएगा वे, ऐसे कराने पर वे, अब ऐसे कराएंगे तो ये हो जाएगा। देखिए जैसे अल्प धन ऐश्वर, क्या हो जाएगा अल्पैश्वर, यहाँ पे ऐ की मात्रा लग गई है। अब ऊ का मेल ओ से कराओगे तो क्या होगा ओ हो जाएगा, ओ की मात्रा ऐसे, क्या हो जाएगा लघु धन ओष से क्या हो जाएगा लघोष्ट। अब ऊ का मेल औ से कराएंगे तो क्या हो जाएगा वाओ, केवल आपको मात्रा ध्यान देना है बस। देखिए जैसे मधु,
मधुधन औषध क्या हो जाएगा, मध्य औषध। देखिए यहाँ पे औ की मात्रा लग गया है, मध्य औषध, बड़ा उ प्लस आ, बड़ा उ प्लस आ के में से क्या बनेगा वा, चाहे छोटा उ प्लस आ हो वा बनेगा, चाहे बड़ा उ प्लस आ हो फिर भी वा ही बनेगा। आप लोग नियम का जो है रिवीजन 2-3 बार कर लीजिएगा, नहीं तो ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिएगा, भी लास्ट में आपको बताया जाएगा। देखिए जैसे वधु, वधु धन अर्थ, बड़ा उ और आ क्या हो जाएगा, वध्वर्थ। चलिए आगे देखते हैं, बड़ा उ प्लस बड़ा, बड़ा उ प्लस बड़ा के मेल से क्या होगा वा। देखिए जैसे वधु धन आगमन क्या हो जाएगा, वध्वा गमन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्या है, री का मेल कराएंगे, री, री के मेल से क्या बनता है रा, यहां पे हलंत रहेगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है पितृ, पितृ धन अनुमति। देखिए यहाँ पे री, पित्री, यहाँ पे भी री आ रहा है और आ के मेल से क्या बनेगा रा, तो क्या हो जाएगा पितृ अनुमति, क्या हो गया इन दोनों के मेल से रा हो गया, तो क्या हो जाएगा पितृ अनुमति। अब री का मेल आ से कराएंगे तो क्या बन जाएगा रा, तो यहाँ पे केवल रा बन रहा था। अब यहाँ पे देखिए आ जब है तो इसकी मात्रा लग जाएगी, मात्र धन आज्ञा, देखिए यहाँ पे मात्रा लग गई है, क्या हो जाएगा मात्राज्ञा, मात्र धन आनंद, मात्रानंद। देखिए यहाँ पे केवल ये मात्रा लग गया है, तो देखिए त्रा में रा है। अब री का मेल ई से कराएंगे, देखिए री का मेल ई से कराने पर ई की मात्रा केवल रा में लग जाएगा। देखिए जैसे मात्र धन इच्छा क्या हो जाएगा, मात्र इच्छा, देखिए यहाँ पे त्रि रा में देखिए ई की मात्रा लग गई। चलिए अब अगला देखते हैं आदि संधि, इसके बाद ये आपका स्वर संधि का टॉपिक स्वर संधि केवल समाप्त होगा। देखिए अयादि संधि नियम क्या है इसका, यदि ए ऐ औ और औ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो क्या होगा, एक बार फिर से देखिए, ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होगा तो क्या बनेगा, देखिए यहां पे ए से क्या बनेगा ऐ, ऐ से आय, ओ से औ और औ से आव। चलिए देखिए एक एक का मेल करा के हम लोग सभी का देखते हैं, यानी जब आप लोग ए का मेल किससे कराएंगे, का मेल दूसरे स्वरों से कराएंगे, यानी जब ए का मेल आ से कराएंगे तो क्या बनेगा ऐ, तो भी लोग हम लोग आगे देख इसके बाद देखेंगे। उसके बाद ऐ का जब कराएंगे तो आय हो जाएगा, ए का केवल कराएंगे तो ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ। चलिए कराते हैं इसका, देखिए पहले ए का मेल हम लोग आ से कराते हैं, देखिए आ का मेल ए का मेल आ से कराने पर क्या बनेगा आए, देखिए जैसे से धन अन तो क्या हो जाएगा, देखिए से इसमें, देखिए से में क्या है ए है और आ, इसका जब मेला मेल किससे कराएंगे एक अमेल आ से कराएंगे तो क्या हो जाएगा आए, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे सा या न सयन। चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल क्या है, ने धन अन, ने धन अन, तो ने में क्या है ए प्लस आ तो क्या हो जाएगा आय, देखिए ने ना या न क्या हो जाएगा नयन।
उसी प्रकार देखिए आय धन आ का मेल जब कराएंगे तो क्या होगा आय होगा। देखिए जैसे नय धन अक तो क्या हो जाएगा नायक। देखिए यहाँ पे देखिए आय है और यहाँ पे आ है तो क्या हो जाएगा नायक। उसी प्रकार देखिए गय धन अकार गय धन अक से क्या हो जाएगा गायक। चलिए आगे देखते हैं। इसका मेल किसे कराएंगे आई का मेल ई से कराएंगे तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। देखिए कैसे नए धन इका नए धन इका तो यहां पे देखिए क्या है आय की मात्रा है यानी आय है। उसके बाद ई छोटी ई की मात्रा तो क्या हो जाएगा नायिका। इसका देखिए ओ का मेल आप से कराएंगे तो क्या होगा आओ। जैसे देखिए भो भो में क्या है ओ है आ भो यानी ओ प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा आओ तो भा व न। देखिए यहाँ पे तो मात्रा लगा है ओ की मात्रा यहाँ पे ये मात्रा हट जाएगा ओ उसके बाद क्या है अन तो आ के मेल से क्या हो जाएगा आव अव तो भा व न क्या हो गया भवन। उसके बाद देखिए पोधन अन से क्या हो जाएगा पवन। अब देखिए अव का मेल आ से कराएंगे अव का मेल आ से कराएंगे तो क्या हो जाएगा आव। देखिए जैसे पौधन अक देखिए इसमें अव है पौ में अव है तो क्या बचा प। उसके बाद अक में देखिए आ है तो क्या बचा का कि मेल से क्या बनेगा आव। तो जब यहाँ पे आव लिखोगे तो क्या हो जाएगा आ की मात्रा यहाँ आगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा पावक पावक। उसी प्रकार देखिए पौधन अन बचेगा आव की मात्रा यानी आव बचेगा यानी यहाँ पे मात्रा लग जाएगा बचेगा क्या हुआ फिर क्या बचेगा न क्या हो जाएगा पावन। इसलिए आपके स्वर संधि समाप्त होता है। स्वर संधि के जितने भी भेद हैं सब समाप्त होता है। और हम लोग लास्ट में देखिए क्या है संधि की पहचान। संधि की पहचान कैसे करेंगे देखिए पहला कौन था दीर्घ संधि दीर्घ स्वर संधि। तो जहां पर आपको बड़ी मात्राएं जहां पे आपको बड़ी मात्राएं दिख जाए जिस वाक्य में जिस शब्द में बड़ी मात्राएं दिख जाए वहां पे कौन सा संधि होगा दीर्घ स्वर संधि होगा। तो जितना भी एग्जाम्पल बताया गया है आप लोग जाके देखिए। पहले तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए इसको कि संधि में क्या होता है पहले शब्द का इसको मैंने पहले बता दिया है पहले शब्द का अंतिम अक्षर पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल होता है। तो देखिए जब आप लोग मेल कराएंगे तो परिवर्तन जो होगा मध्य में होगा क्योंकि पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यानी वो मध्य में परिवर्तन होगा। तो जब आप जितने भी एग्जाम्पल बताया गया है जब आप उनको देखेंगे तो आपको मध्य में बड़ा की मात्रा यानी जैसे मध्य मान लीजिए या है तो या पे आपको ये बड़ा मात्रा जरूर देखेगा। और मान लीजिए अगर बड़ी ई यानी बड़ी मात्रा कैसे होती है ऐसे तो यहाँ पे मान लीजिए बड़ी या तो ऐसे दिखेगा नहीं तो उ या बड़े की मात्रा ऐसे तो आपको मध्य में ये बड़ी मात्राएं जरूर दिखेंगी। तो इसका पहचान
आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग इसकी पहचान जो है समझ गए होंगे। अब चलिए अगला है, अगला कौन सा है देखिए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान कैसे करेंगे? वृद्धि संधि के जो नियम है, नियम रहने दीजिए, नियम पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप जितना एग्जाम्पल बताया गया है आप जब वहां एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको कौन सी मात्राएं दिखेगी, अ की मात्रा और औ की मात्रा, जितने भी एग्जाम्पल हैं उनके मध्य में देखेंगे तो कौन सी मात्रा दिखेंगी, अ की मात्रा और औ की मात्रा दिखेगी, तो वहां पे कौन सा संधि होगा, वृद्धि संधि होगा। उसके बाद अयादि, अयादि में कौन सा संधि होगा, देखिए अय, अयादि अय, जहां पे आए आए आओ आओ दिख जाए वहां पे कौन सा संधि है, अयादि संधि। देखिए जैसे पवन, नयन, देखिए इसमें क्या आ रहा है, आय आ रहा है, आओ आ रहा है, देखिए पा, पा में क्या है आ, उसके बाद हुआ, नयना में देखिए आ है, उसके बाद या, देखिए आओ आए, देखिए आए अब, देखिए यहाँ पे, तो आप लोग एग्जाम्पल जाके जरूर देखिए, एग्जाम्पल को रिवीजन कीजिए, उसके बाद ये ट्रिक तब यूज कीजिए इसका। अब यार संधि, यार संधि की पहचान कैसे करेंगे, आधा अक्षर के बाद या वा, तो आप जाके एग्जाम्पल को देखिए उसमें आधा अक्षर के बाद, जैसे देखिए अध्यापक, अध्यापक तो देखिए अध्या, अध्यापक तो आधा अक्षर के बाद या चाहे वा, ये दो वर्ण दिखेंगे। चलिए हो गए आप संधि की पहचान। अब है अगला क्या है, गुड़, गुड़ स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे, तो अब गुड़ संधि का जब आप एग्जाम्पल देखेंगे वहां पे कौन सी मात्राएं आपको दिखेंगी, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको ए की मात्रा ओ की मात्रा आपको दिखेगा। इसके बाद देखिए स्वर संधि के बाद क्या है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन दोनों को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं फिर एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।